इतने देर से जो ट्रैफिक लगी हुई है यहाँ पर, ये ट्रैफिक का रीजन भाई, तो बेसिकली अभी मैं काम से थोड़ा नई मुंबई साइड में जा रहा हूँ और सीन कुछ ऐसा है कि अभी जा रहा था तो मैंने सोचा, काफ़ी दिनों से मैंने मोटो व्लॉगिंग किया नहीं है और ना ही मैंने कोई डेली ऑब्जर्वेशन वीडियो बनाया। सीन ऐसा था कि मैं कई दिनों से, मतलब पिछले 2-3 दिनों से रेस्ट पे था, मतलब मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। अभी मैं रेस्ट पे क्यों था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो पहला वाला मंथ था उसमें मैंने पूरे मंथ मैंने वीडियो डाला, एक भी दिन स्किप नहीं किया। सॉरी, उसमें से 2 दिन मैंने स्किप किया था, एक 14 तारीख को और एक 28 तारीख को। तो ये 2 दिन मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की थी, बाकी पूरे दिन मैंने वीडियो अपलोड किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, सो मैंने 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया था। अभी फिर से आ चुके हैं और आप लोगों को अब अच्छे अच्छे कंटेंट ज़रूर मिलेंगे। तो यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब तो बढ़िया है। सो विद दैट सेड, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ राइड विद किक। तो आज के इस डेली ऑब्जर्वेशन वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ओ भाई, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये वाइट पूरा ऐसा रखा हुआ है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये है नमक की खेती होती है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे खाड़ी है यहाँ से पानी लेके वो नमक में कन्वर्ट करते हैं कुछ तो प्रोसेस से। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये बाद में फैक्ट्री में जाता है और इसका प्योरीफिकेशन होता है, देन उसके बाद वो पैकेट्स में पैक होके लोगों के घर पर जाता है, मतलब ख़रीदते हैं लोग। इतने देर से जो ट्रैफिक लगी हुई है यहाँ पर, ये ट्रैफिक का रीज़न भाई, तो यहाँ पे रीज़न ट्रैफिक का यही है कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। पहले इस तरफ में चल रहा था, अब उस तरफ में चल रहा है, तो थोड़ी ट्रैफिक तो बनती है। और एक्चुअली थोड़ी नहीं, ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है, ये पूरा आगे तक का ही ट्रैफिक लगा हुआ है। और मुझे लेफ्ट में चले जाना चाहिए। मुंबई के लोगों का खासियत देख रहे हो, मतलब रोड होते हुए भी ये लोग खुद का रोड बना लेते हैं। सही है, दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहनोगे सुरक्षा की माला, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, गोप्रो का अपडेट आ चुका है, क्योंकि ये बार बार हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, अपने आप कुछ भी करता है। तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये मेरा गोप्रो है जो कि चालू है अभी, और अभी इसमें कोई भी बटन काम नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन ब्लैंक हो गया है, ये राइड कंटिन्यू चल रही है और गोप्रो हीट हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता है। देखो, अभी मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन अगर प्रेस करूँ यहाँ पर, अगर तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है, जैसे आप लोग देख सकते हो। क्या करूँ यार, इसका ये समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को आइडिया है ये गोप्रो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, गोप्रो के साथ ज़्यादा इशू हो रहा है, तो ये वीडियो को एंड कर देते हैं, अदरवाइज पता नहीं कब ये धोखा दे दे। सो विद दैट सेड, चलते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। तो फिर चलते हैं, टाटा बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, बाय बाय।